वजह से शीतकालीन परीक्षा 2019 की परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बुधवार को लापरवाही की शिकार एमए महिला अध्ययन पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी हुए हैं। परीक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम का प्रश्न पत्र ही नहीं बनवाया, जिससे परीक्षार्थी पर्चा हल करे बिना ही उल्टे पांव घर लौटे हैं। जहां अधिकारियों ने मानी है गलती, परीक्षार्थियों ने कहा है कि हर रोज होती है यह परेशानियां। वहीं दूसरी ओर से खबर आ रही है नागपुर से। अब इस दुनिया में नहीं रहा नन्ना तन्मय। पिता का आरोप, निजी अस्पताल की लापरवाही ने ले ली है बेटे की जान। मेयो ले जाने में हुई है देरी, 2.5 साल का तन्मय अब इस दुनिया में नहीं रहा है। यह घटना बड़ी दुख भरी जताई जा रही है। जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद बुधवार को उपचार के दौरान उसने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय अस्पताल मेयो में ही दम तोड़ दिया। तन्मय को दम तोड़ता देख पिता का बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बेटे को बचाया जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि रामदासपेट स्थित न्यूक्लियस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने उपचार में लापरवाही की है। यह लापरवाही उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है। यह अस्पताल डॉक्टर निशिकांत दहीवाले का है। यहाँ 4 डॉक्टर तन्मय का उपचार कर रहे थे। बेटे को क्या हुआ वह बता भी नहीं पा रहे थे। जहाँ तन्मय का बुखार नहीं उतरने के कारण उन्होंने बुटी बोरी से नागपुर में ले आए। तन्मय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मामला समझ नहीं आने पर इसे तो डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा, जहाँ अस्पताल ने 70,000 का तक बिल बना दिया है। पैसे का बिल देख पिता ने 15,000 ही जमा कराए हैं। पैसे नहीं देने की वजह से डॉक्टर ने इलाज करना तक बंद कर दिया था, जिसके चलते बेटा तन्मय ने इस दुनिया से ही अलविदा कह दिया। बड़ी दुख की यह घटना घड़ी है। परिवार में शोक की लहर गूंज उठी है। जहां दूसरी ओर से नागपुर से ही खबर आ रही है ईवीएम सील करने की प्रक्रिया पर आपत्ति। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील कर स्ट्रांग रूम में रखा जा रहा है। बहरहाल दक्षिण नागपुर के निर्दलीय प्रत्याशी सतीश होले ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने चुनाव अधिकारी को पत्र देकर आपत्ति जताते हुए मांग की है कि कंट्रोल यूनिट को गुलाबी रंग का सील लगाया जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान कंट्रोल यूनिट के सील एवं सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर कांग्रेस उम्मीदवार ने आपत्ति जताई है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब